बच्चों नमस्कार, मैं सुशील कुमार यादव, केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा। आज आप लोगों के सामने हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए पद्य भाग से दूसरे पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ का नाम है मीराबाई के पद। इस पाठ के रचनाकार हैं भक्त कवित्री मीराबाई। मीराबाई और उनके पदों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले कुछ हम थोड़ा सा हिंदी साहित्य के बारे में आज जानेंगे और हिंदी विषय के बारे में भी। हिंदी हमारी राजभाषा है, आप सबको पता है, और राष्ट्रभाषा हम बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी पढ़ना पढ़ाना, हिंदी में काम करना यह अपने आप में गौरव का विषय हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए हिंदी पढ़ना और हिंदी पढ़ करके हिंदी विषय के अंतर्गत मार्क्स लाना मुझे लगता है बाकी अन्य विषयों से आसान है। आप अन्य किसी भी ऑप्शनल विषय में जितना मेहनत करेंगे उससे कम मेहनत में या उतनी ही मेहनत करके हिंदी में और ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो एक साथ कई स्वार्थ आपके पूरे होंगे, एक तो आपके मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, आपकी मार्कशीट अच्छी दिखेगी, दूसरा आप अपनी राजभाषा पर काम कर रहे हैं, हिंदी पढ़ लिख रहे हैं, हिंदी के प्रति आपके मन में प्रेम बढ़ेगा और भाषा कहीं ना कहीं माध्यम होती है देश प्रेम का भी। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जब क्लास 11th में आते हैं तो हिंदी छोड़ देते हैं, तो आप हिंदी मत छोड़िए, हिंदी को अपनाइए, हिंदी को पढ़िए। जिस स्तर पे भी मौका मिले आप पढ़िए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हैं वहाँ भी आपको हिंदी मिल सकती है, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हों वहाँ भी आपको हिंदी मिल सकती है, और यदि आप ह्यूमनिटीज ग्रुप के हैं तो आपको हिंदी मिलनी ही मिलनी है, आप हिंदी को पढ़िए। मेरा आग्रह है आप लोगों से, मैं हिंदी विषय का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस हिंदी का अध्यापक हूँ तो मैं आपको हिंदी की खासियत बता रहा हूँ। अब रहा रोजगार का प्रश्न, तो ये कभी मत सोचिएगा कि हिंदी पढ़ के आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं कर सकते। कुछ बच्चे जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सी क्लास है, तो मैं बताते चलूं कि क्लास 11th हिंदी, जो हमारे बच्चे अभी 10th क्लास पढ़ करके पास हो के क्लास 11th में आएंगे वो हिंदी जो पढ़ेंगे उनके लिए है। हिंदी कोर का पाठ्यक्रम है। आज हम पद्य खंड से दूसरा अध्याय पढ़ने की तैयारी में हैं। तो रोजगार में आप अध्यापक बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं, और यदि आपके अंदर रचनात्मकता है और आपकी रुचि जगती है तो आप फिल्म और मीडिया की ओर भी जा सकते हैं, जहां आपको शोहरत भी मिलेगी और खूब सारा पैसा भी मिलेगा। तो आप हिंदी को रोजगार परक विषय के रूप में भी चुनने की प्राथमिकता दे सकते हैं। ठीक है, आज हम फिर अपने पाठ की ओर चलते हैं। हमारा पाठ जो है आज मीराबाई का पद है। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले मीराबाई का नाम जरूर सुना हो। ये एक भक्त कवि हैं। थोड़ा सा हम जानेंगे, वैसे मैंने पिछले पाठ में जब कबीरदास को हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, आज भी थोड़ा सा उसका दोहराव कर देते हैं। पूरे हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया। यह आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, और भविष्य में यदि आप हिंदी को अपने अध्ययन का एक विषय चुनते हैं तो आपको जरूर पढ़ना होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो आदिकाल है, प्रारंभिक आदि मतलब जहां से प्रारंभ होता है आदिकाल, फिर दूसरा भक्ति काल, फिर रीति काल, और फिर चौथा और अंतिम भाग जो है वो है आधुनिक काल।
आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375। संवत में मैं बोल रहा हूँ, सन में नहीं बोल रहा हूँ। संवत में आप 57 जोड़ देंगे तो सन निकल आता है। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी, और रीति काल जो है 1700 से 1900 ईस्वी संवत, और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक जो चल रहा है वो सिलसिला आधुनिक काल का ही है। हम आज इनको पढ़ेंगे, हम जी रहे हैं आधुनिक काल में, हम 2020 में जी रहे हैं। 1857 ईस्वी के आसपास से ही, उस माइनस करेंगे तो 1857 ईस्वी के आसपास से ही आधुनिक काल शुरू हो जाता है। लगभग प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष आप कह सकते हैं। हम आधुनिक काल में जी रहे हैं, विज्ञान और तकनीकी के जमाने में जी रहे हैं। हम घर बैठे तमाम देश विदेश से बातें कर लेते हैं, जैसे आज मैं यहाँ अपने घर पे बैठा हूँ और देश और पूरा विश्व एक संकट से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ आपको, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने छात्रों को की पढ़ाई को चिंता चिंतन या चिंत प्राथमिकता देते हुए उपाय निकाला है कि विद्यार्थियों को उनके घर पे ही कुछ शिक्षा की सुविधा मुहैया कराई जाए, इसलिए आज हम लोग यहाँ लाइव हो रहे हैं। तो हम आधुनिक काल, बार बार आप लोग देखे होंगे कि एक शब्द है आधुनिक, ये बहुत बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो शायद बहुत कम लोगों को समझ में आता हो। मैं आज अपने विद्यार्थियों को बताऊंगा। आधुनिक को इंग्लिश में मॉडर्न बोलते हैं। आधुनिक जब भी हो, आधुनिक शब्द का अर्थ होता है कि हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा शिक्षा का आधार जब ज्ञान विज्ञान हो जाता है और धर्म सामूहिक न होकर व्यक्तिगत हो जाता है, तब हम कहते हैं कि आधुनिकता की शुरुआत हो गई है। धर्म व्यक्तिगत हो, सामूहिक न हो, और हमारे अध्ययन अध्यापन चिंतन का विषय विज्ञान वैज्ञानिक ढंग से हो, वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर हो, तो आधुनिकता की शुरुआत होती है। तो हम अभी आधुनिक समय में हैं और जिस कवित्री को पढ़ेंगे वे भक्ति काल की हैं, यानी लगभग आज से 500 साल पहले। तो 500 साल पहले किसी कवित्री की रचना को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य होगा? आखिर क्यों यह आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है? यदि भक्ति ही कुछ पढ़नी हो तो बहुत सारे अभी भी कवि होंगे जो लिख रहे होंगे, फिर 500 साल पहले के कवि को हम क्यों पढ़ें? पहले कबीर भी पढ़ चुके हैं, अब मीरा को पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि उद्देश्य इतना गहन हो तो केवल भक्ति ही केंद्र में नहीं होगी कि बच्चों को भक्ति सिखाई जाए, इसलिए मीराबाई जो भक्त कवित्री थी उनका पद आपके सिलेबस में जोड़ा जाए। उद्देश्य कुछ और हो सकता है। हमारी जो आधी आबादी है, अभी आधी आबादी आप समझ गए होंगे, यदि आप अखबार पढ़ते हो, समाचार सुनते हो, तो मतलब जो हमारा पूरा स्त्री वर्ग है, हमारे देश का महिला वर्ग है, वो अभी भी तमाम अंधविश्वासों, रूढ़ियों, अशिक्षा में जकड़ा हुआ है, जकड़ी हुई है। इसके पीछे कारण क्या है कि यह जो हमारा समाज रहा है वो पुरुष सत्तात्मक समाज रहा है, जिसमें पुरुष का वर्चस्व रहा है, पितृ सत्तात्मक भी कह सकते हैं, जिसमें पिता ही परिवार का मुखिया होता था। आप देखेंगे कि पूरा राजाओं का जिक्र बहुत होता है, रानियां जो शासन की थी उनका जिक्र कम है, पुराने साधु संतों और मुनि मनीषियों का जिक्र बहुत होता है, लेकिन कुछ विदुषियां भी, विद्वान महिलाएं भी रही होंगी, उनका जिक्र नहीं होता है। तो आधी आबादी को मुक्ति मिल सके, किन चीजों से मुक्ति मिल सके? जो व्यर्थ की बाध्यताएं उनके जीवन में लागू हैं, उन तमाम सारी चीजों से। तो जब हम इस चीज को ढूंढना शुरू करते हैं कि आखिर वो कौन रहा होगा जिसने महिलाओं की आजादी की, स्वतंत्रता की बात की होगी, महिलाओं की आवाज बुलंद की होगी, जब हिंदी साहित्य में हम जाते हैं तो ऐसे तमाम लोग पहले मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके पाठ में मीरा को जगह दिया गया है। तो मीरा न सिर्फ एक भक्त कवित्री थी, अपितु मीरा के काव्य में स्त्री मुक्ति की आवाज भी पाई जाती है। अब मैंने बार बार बोला भक्त भक्त, तो आप थोड़ा भक्ति का एक रूपरेखा भी जान लें।
भक्ति दो प्रकार की, भक्ति की जो विचारधारा थी हिंदी साहित्य में जो चलती है वो दो प्रकार की है, एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण मैंने बताया था पिछली कक्षा में बताया था, फिर मुझे यहाँ दोहराना पड़ेगा। सगुण गुण सहित, अर्थात जिसका गुण हमें दिखाई देता हो, यह भक्ति धारा आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम कौन है? राम जनक और कौशल्या के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा राम हैं, रावण को मारने वाले राम हैं, लक्ष्मण के बड़े भाई राम हैं, वे दयालु हैं, कृपालु हैं, ये राम के गुण हैं। ये तो हो गया सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा के। इसी में एक शाखा और भी है, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण कौन है यहाँ? यह कृष्ण नंद और यशोदा देवकी वासुदेव के पुत्र हैं, गोपालक हैं, गाय पालते हैं, गिरधारी हैं, पर्वत को धारण किया हुआ है, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए महाभारत जैसे युद्ध का उन्होंने आह्वान किया। तो हमें तमाम कृष्ण के तमाम गुणों का पता चलता है, लेकिन जब हम आगे पद में पढ़ेंगे और देखेंगे तो एक ही, भले ही वह कवि सगुण भक्ति धारा का हो, लेकिन उसके रचनाओं में और भी जो दूसरा भाग रह जाता है निर्गुण, वह भी, निर्गुण के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसका भी अंश हमको देखने को मिलता है। तो हमने जान लिया क्या? भक्ति जान लिया और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब हम आते हैं मीरा पर। मीरा के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि कोई भी पाठ हिंदी साहित्य में रचना प्रमुख होती है और रचनाकार प्रमुख नहीं होता है। हम सारा जो है सारी बात रचना पे करते हैं, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, निबंध हो, लेकिन चूंकि हर रचनाकार, मैंने पिछली भी कक्षा में बताया था कि हर रचनाकार अपनी रचना में मौजूद होता है, तो इसलिए उस रचना को रचने की प्रेरणा या उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, यह रचनाकार के जीवन से हमको समझ में आता है। तो थोड़ा मीराबाई के बारे में जानेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में, मारवाड़ भी कह सकते हैं, मेड़ता भी कह सकते हैं, मेड़ता के राज परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जब ये 12 साल की थी तब इनकी शादी हो गई। आप थोड़ा अनुमान लगाइए कि 12 साल की अवस्था क्या होती है, यानी उस समय हमारे समाज में बाल विवाह, मतलब बचपन में विवाह कर देने की एक बुरी प्रथा, जिसको कुप्रथा कहते हैं, कुप्रथा प्रचलित थी। 12 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। ये क्लास 11 हिंदी की कक्षा है, कोर पाठ्यक्रम। आज हम लोग मीराबाई को पढ़ रहे हैं। तो जब उनकी शादी 12 साल की उम्र में हो जाती है, 7-8 साल के बाद उनके शादी कहाँ होती है? चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से शादी होती है, किंतु 7-8 साल के बाद उनके पति का देहांत हो जाता है और मीरा विधवा हो जाती है। हमारा भारतीय समाज तमाम रूढ़ियों से ग्रस्त था। विधवा स्त्रियां भारतीय समाज में अशुभ का प्रतीक होती हैं, ऐसा माना जाता है। यह हमारी कुशिक्षा और अज्ञानता का प्रतीक है। जब उनके पति का देहांत हो जाता है तो मीरा जो है, मीरा का ध्यान इस दुनिया से हट जाता है। वे भगवान कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति की ओर उन्मुख होती हैं, कृष्ण की भक्ति प्रारंभ कर देती हैं और साधु संतों के साथ बैठ के सत्संगत करती हैं, मंदिरों में जाके भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचना शुरू कर देती हैं। भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं रहती। आज सन 2020 में हमारा समाज कहने को बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्त्रियों के लिए उतनी आज़ादी नहीं है जितना पुरुषों के लिए है। हो सकता है आप थोड़ा अगल बगल आसपास या अपने ही जीवन में नज़र दौड़ाएंगे, अपने ही परिवार में नज़र दौड़ाएंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप भविष्य के नागरिक हैं और इस पाठ के माध्यम से ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो आप जीवन में एक अच्छे इंसान बनेंगे और खुद अपनी
कर्तव्य समझेंगे और दूसरे के उत्तरदायित्व का भी निर्वाह आप होने में उसकी मदद करेंगे और दूसरे के अधिकारों का भी आप सम्मान करेंगे। तो 500 साल पहले कितना कठिन रहा होगा मीरा के लिए कि पहले तो एक स्त्री थी, स्त्री के लिए वैसे ही समाज तमाम नियमों में जकड़ा हुआ था, उसे आज़ादी नहीं थी कि वह गैर पुरुषों से बात करे, बैठ के सत्संगत करे, मंदिरों में जाके भगवान की मूर्ति के सामने नाचे। तो स्त्री होने के नाते ही इतना बहुत कठिन काम था। उस पर से राज परिवार की स्त्री थी तो उनके लिए जो बंदिश थी, जो जकड़न थी, वो दो गुना हो गई थी। तो दो गुना बंदिश या दो गुना जकड़न को तोड़ती हैं और मंदिरों में जाती हैं। यह उनके राज परिवार को, जिस परिवार की वो बहुत ही पसंद नहीं आता है, और इनको पहले तो समझाने की कोशिश की जाती है। जब ये नहीं समझती हैं तो इनके देवर ने इन्हें पीने के लिए एक प्याले में विष दिया और मीरा उसे भी पी गई। यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है कि विष कोई पी जाता है कैसे और पीने के बाद बच जाएगा कैसे। तो आप इसको जिस कसौटी पे कसें, लेकिन यदि भक्ति की कसौटी पर या पाठ के आधार पे हमको बात करनी हो तो हम ये कहेंगे कि मीरा के पास कृष्ण की भक्ति रूपी आत्मविश्वास था, कृष्ण की भक्ति की थाती थी, जिसके आधार पे वह विष को पी जाती हैं और विष उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाता। पिछले पाठ में हमने कबीर का भी यही देखा था। कबीर के पास भी सच्ची भक्ति का एक ऐसा आत्मविश्वास था, जिस आत्मविश्वास के चलते वह हिंदू मुसलमान दोनों को खरी खोटी सुनाते हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। यहाँ मीरा के पास भी कृष्ण की भक्ति का साहस था, आत्मविश्वास था। फिर मीरा अपना राज परिवार छोड़ देती हैं, वृंदावन और मथुरा की यात्रा करती हैं, और वृंदावन मथुरा की यात्रा करते हुए सीधे द्वारिका जाती हैं। वहाँ कुछ दिन रणछोड़दास के मंदिर में रह के भगवान की भक्ति करती हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति करती हैं, और एक दिन उन्हीं के मूर्ति में लीन हो जाती हैं। ऐसी कहानियाँ उनके बारे में प्रचलित हैं। बाद उनकी मृत्यु के बारे में बताया गया है कि उनकी मृत्यु जो है 1546 में हो जाती है। अब मीरा से हमको क्या सीखना है इस पाठ के, क्यों इस पाठ हमारे सिलेबस में रखा गया? इसलिए कि मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज थी, स्त्रियों की मुक्ति। मुक्ति किस बात की? तमाम अंधविश्वास, रूढ़ियों, अशिक्षा, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, तमाम चीजों की मुक्ति से पहली आवाज थी मीरा, हिंदी साहित्य के अभी जो पाठ में दिया गया। वे मानती थी कि ज्ञान की प्राप्ति वो तो भक्त कवि थी, लेकिन फिर भी वो मानती थी कि ज्ञान की प्राप्ति सत्संगत से हो सकती है, सच्चे लोगों की संगति करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान ही हमारी मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ज्ञान वो सबसे बड़ा हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो ये आधुनिक समय में किसी की कहावत है, लेकिन मीरा पहले ही मानती थी कि ज्ञान ही वो सबसे बड़ा साधन है जिससे जो है हम अपनी मुक्ति का रास्ता तलाश सकते हैं। और मीरा की एक और खासियत थी कि वो अपनी निंदा से, यदि उनकी कोई निंदा करे तो उससे वो विचलित नहीं होती थी। ये विचलित न होने का मतलब कि वो जो कर रही हैं, उनको आत्मविश्वास था, इस बात का विश्वास था कि वो जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। कर क्या रही थी? ईश्वर की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी, और उनको लोगों ने खरी खोटी सुनाया, भक्तियां कसी, उनकी निंदा की, इससे वो कभी विचलित नहीं हुई कि विचलित होकर भगवान की भक्ति बंद करना, भक्ति बंद कर दें, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। तो एक संदेश आप लोगों के भी जीवन में जाता है कि आप लोग जो कुछ अच्छा यदि कर रहे हैं तो आप अच्छा करते रहिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपके निंदक हों जो आपकी निंदा करें, तो ऐसे निंदकों का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि ये निंदक जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली आपके उत्साह और साहस को बढ़ाने का काम करते हैं, आपकी चुनौती को और आगे ले जाने का काम करते हैं। तो हमने क्या क्या जाना? थोड़ा मीरा के बारे में जान लिया, रचनाकार मीरा के व्यक्तित्व की कुछ बातों को जान लिया, उनके जीवन के बारे में जान लिया, भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब हम सीधे पाठ पे आते हैं।
पद है, मैं पद पढ़ता हूँ, आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए। अभी जो हम लोगों का संवाद चल रहा है वो एक तरफा है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात भी नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा होता कि यदि ऐसा कुछ सिस्टम हो पाता कि आपकी बात मैं सुन लेता, तो आप जो प्रश्न करते उन प्रश्नों का समाधान भी मैं कर पाता और यह क्लास कक्षा और भी रोचक हो जाती। एक तरफा होने से केवल मैं ही बोले जा रहा हूँ और आपको सुनना है, तो थोड़ा कठिन तो जरूर है। आप मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि मैं उबा भी रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ उबाऊ हो और यदि जरूरत की चीज़ है तो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो आगे आपके भविष्य में काम आने वाली है। कि आप 11th में आएंगे, यदि हिंदी पढ़ेंगे तो आपके काम आने वाली है। पाठ शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से वी लोई, दधि मति घृत काढ़ लियो डारि दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। गाया जा सकता है, यदि आप लोगों में से कोई अच्छा गाता हो तो इस पाठ को गा सकता है। मुझे गाना नहीं आता इसलिए मैं इसको गा के नहीं सुनाता हूँ। तो इस पद की विशेषता है कि इसमें गीयता है, संगीतात्मकता है, इसको गा के इसके साथ बजाया जा सकता है, वाद्य यंत्रों का सहारा इसको लिया जा सकता है, वो और सुंदर होता है। अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते चलेंगे। गिरधर, गिरि अर्थात पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। आपको पता होगा कहानी कि कृष्ण ने पर्वत क्यों धारण किया। आपने बाल राम कथा नहीं, महाभारत कथा जब आप 7th में रहे होंगे तो वहाँ आपकी एक किताब थी हिंदी में, उसमें हो सकता कि प्रसंग रहा हो कि उन्होंने वृंदावन को, नंदगांव को, जो जिस गांव में रहते थे, नंदगांव की रक्षा करने के लिए, किसे रक्षा करने के लिए, देवता इंद्र के गुस्से से रक्षा करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी इस कनिष्ठिका उंगली पर, छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया था। तभी से उनका एक नाम गिरधर है। गोपाल, गो मतलब गाय, पाल मतलब पालन, गाय को पालने वाला अर्थात कृष्ण। कृष्ण गाय भी पालते थे। गो का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं, जो इंद्रियों को पाल सकता है, जो इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है, उसका भी नाम गोपाल होगा। मोर मुकुट, आपने कभी भी भगवान कृष्ण का कोई तस्वीर या फोटो देखा होगा तो देखा होगा कि उन्होंने जो मुकुट धारण किया है उसमें मोर के पंख होते हैं, तो मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, मोर मुकुट। अगला शब्द है सोई। सोई का अर्थ है वही। कुल की कहानी, कुल मतलब होता है खानदान, वंश, परिवार। परिवार का मतलब मर्यादा, परिवार की मर्यादा, परिवार का सम्मान, परिवार की इज्जत। कहा क्या, करी है, करेगा कोई। ढिग का अर्थ है पास। लोकलाज, लोक मतलब समाज की मर्यादा, समाज का सम्मान। अंशुवन जल, अंशुवन मतलब आंसू, जल मतलब जल, आंसू रूपी जल। सींच मतलब होता है सींचना। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेली, प्रेम रूपी पौधा, बेल लता, प्रेम रूपी लता। आनंद, आनंद मथनिया, दही मथने वाला जो एक उपकरण होता है मथनी। विलोई मतलब होता है मथना। दधि मतलब, यह संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसको दही बोलते हैं, दधि मतलब दही। मथ मतलब होता है मथना। घृत, यह भी तत्सम शब्द है, जो शब्द संस्कृत से हुबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। तो घृत का अर्थ है घी। काढ़ लियो मतलब निकाल लेना, अलग कर देना। डारी दई फेंक देना, छोई छाछ या जो काम का नहीं है, जो मतलब का नहीं है। राजी होना, आप जानते ही होंगे दिल्ली में इस भाषा का, इस शब्द का खूब प्रयोग होता है। प्रसन्न होना, और तारो मतलब तारना, उद्धार करना, मुक्त करना, दुख से मुक्त करना।
उसको बोलते हैं तारणा। कोई भक्त जो होता है वो अपने ईश्वर से हमेशा इस बात की प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे तारो, मुझे मुक्ति दो। प्रस्तुत पद में हम देखेंगे कि मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई देती है। मीराबाई को यह संसार जो है वो अर्थहीन सारहीन नजर आता है और भगवान की भक्ति ही वो सबसे मूल्यवान चीज मानती हैं, और उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया है और भगवान की भक्ति को अपना लिया है। जब वे देखती हैं कि बाकी लोग जो है सांसारिक मोह माया के बंधन में फंसे हुए हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, और वे कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो मेरा तो दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं है। तो दूसरा कोई नहीं है तो इसका मतलब पहला कोई होगा। पहला कौन है उनका, यानी किस रिश्ते को प्रथम स्थान पर रखती हैं? गिरधर को। गिरधर कौन, मैंने बताया गिरी को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण, और गोपाल गायों को पालने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। मीराबाई कह रही हैं कि मेरा इस संसार में गिरधर और गोपाल को छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है। कृष्ण के तमाम पर्यायवाची हैं, लेकिन मीरा ने गिरधर शब्द क्यों प्रयोग किया होगा? क्योंकि कवि, पहले एक बात और सुनिए, कवि जब शब्दों का प्रयोग करता है तो बहुत चुन के प्रयोग करता है, बहुत सोच समझ के प्रयोग करता है, क्योंकि शब्द ही उसके मन के भाव को प्रकट करते हैं। आप भी देखिएगा जब आप बातचीत करते हैं तो जब कोई बड़ी गूढ़ बात, बड़ी गहरी बात करनी होती है तो आप उसके लिए शब्द ढूंढते हैं। तो गिरधर शब्द इन्होंने इसलिए प्रयोग किया कि जिस तरीके से नंदगांव के लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने सहज ही पर्वत उठा लिया था और रक्षा की थी, तो भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अब वो रक्षा करने की बात करती हैं, भक्ति तो है, भगवान कृष्ण की भक्त तो है, लेकिन वो रक्षा की बात करती हैं, तो कह रहे हैं कि रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने गिरधर शब्द का प्रयोग किया। और गोपाल, जिस तरीके से वो गायों का पालन करते हैं, गायों का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से भगवान कृष्ण में मुझ जैसे भक्त का भी ख्याल रखेंगे। तो कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो इस संसार में केवल गिरधर गोपाल है, दूसरा और कोई नहीं है। यह चुनौती भरे आवाज में कहती हैं और कृष्ण की पहचान भी बताती हैं। कह रहे हैं कि जाके सिर मोर मुकुट, वही कृष्ण जिनके सर पे मोर का मुकुट है, वही गोपाल हैं, वही गिरधर हैं, मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं, मेरो पति सोई, और वही मेरे स्वामी हैं। पति मतलब आप पति के अंत में हस्बैंड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पति का अर्थ पति तो है, पति पत्नी के रिश्ते से तो लगाया जा सकता है, लेकिन पति का एक और अर्थ भी है, स्वामी, राष्ट्रपति, राष्ट्र का जो स्वामी है, सभापति, सभा का जो स्वामी है। कहें कि वो सिर्फ मेरे पति ही नहीं है, वे मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पति भी हैं और मेरे स्वामी हैं। तो मीरा के स्वामी कौन है? गिरधर गोपाल हैं, जो मोर मुकुट धारण करने वाले हैं, मीरा भाई ऐसा कह रही हैं। मीरा रक्षा करने की बात कर रही हैं, आगे हमको स्पष्ट होगा कि छाड़ दई कुल की कान, कहा करी है कोई, छाड़ दिया, छोड़ दिया, दई दिया कुल की कान, परिवार की सम्मान को, झूठे सम्मान को छोड़ दिया मैंने। कहा मतलब क्या, करी है मतलब करेगा, कोई मतलब कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा, मेरा कोई क्या कर लेगा, मैंने परिवार के झूठे सम्मान को छोड़ दिया, जिस परिवार ने मुझ पे भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए तमाम बंदिशें लगाई थी, उस परिवार के सम्मान को भी मैंने छोड़ दिया। एक कथा प्रचलित है कि परिवार को छोड़ने से पहले मीराबाई बड़ा उहापोह में थी कि परिवार को छोड़ूं या भगवान की भक्ति को छोड़ूं। तो मैंने बताया सत्संगत
में जाती थी, संतों की संगत में बैठती थी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा तुलसीदास को, ये कहानी है, और अपनी अपने प्रश्न को लिखा और उसका उत्तर जानना चाहा। तो तुलसीदास ने एक उत्तर लिख के भेजा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कि जिसको राम और सीता परे प्रिय न हो, ऐसे लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए, वो बहुत प्रिय ही क्यों न हो। तब इन्होंने निर्णय लिया कि हमें भगवान की भक्ति के लिए इस परिवार को छोड़ देना है। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई आगे कहती हैं कि मैंने तो कृष्ण के लिए अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने तमाम सारे रिश्तों को त्याग दिया, और साथ ही मैं संतों के ढिग पास में बैठ बैठ के सत्संगत करती थी। संतों के पास में मैंने अपने लोक लाज खोई, लोक लाज को भी खो दिया। लोग ऐसा करते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए मैंने एक और परिवार के सम्मान को छोड़ दिया, तो दूसरी ओर संतों के साथ बैठ के भगवान कृष्ण की भक्ति का सत्संगत करते हुए मैंने समाज की बनाई हुई झूठी मर्यादाएं और परंपरा को भी त्याग दिया। करें कि अब मेरा कोई क्या कर लेगा, वो जो इतने आत्मविश्वास के साथ करें कि मेरा कोई अब क्या कर लेगा, उस आत्मविश्वास के पीछे कृष्ण की भक्ति, उन्हें विश्वास है कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, गिरधर उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए वो गिरधर शब्द का यहाँ प्रयोग करती हैं अपनी कविता में। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। लेकिन यह जो मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बड़े ताने, बड़े उलाहने सुने होंगे, बड़े फप्तियाँ सुनी होंगी, उनको बड़ा परेशान किया मैंने किया गया होगा। मैंने आपको बताया भी कि उनको विष दे के मारने का भी प्रयत्न किया गया। तो कह रही हैं कि तो कृष्ण की भक्ति में उन्होंने बहुत रोया होगा। अशुवन लिख रही हैं कि अशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। कि मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी लता को, जो मैंने अपने हृदय में बोया है, उस कृष्ण की भक्ति रूपी लता को सींचने में मुझे बहुत रोना पड़ा है। मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी लता को अपने आंसुओं से सींचा है। प्रेम का जो रास्ता होता है वो आसान नहीं होता है। तमाम आप हिंदी सिनेमा भी देखते होंगे, या मुझे इसके लिए इस पे कुछ उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें प्रेम का रास्ता बहुत आसान नहीं होता है। आगे मीरा कहती हैं कि अब तब बेली फैल गई आड़ंद फल हुई। कि ये जो कृष्ण की प्रेम रूपी बेली को, प्रेम रूपी पौधे को, प्रेम रूपी लता को जो मैंने अपने हृदय में बोया है, अपने आंसुओं से सींच कर, जतन करके मैंने उसे सींचा है, वह फैल गई है, फल फूल रही है, पल्लवित पुष्पित हो गई है। अब क्या होगा, इससे मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो गई है। जब भक्त भगवान, आप कोई सवाल लगाने बैठे हैं, कोई प्रश्न लिखने बैठे हैं और आप लिख लेते हैं, तो आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही कोई भक्त जब वो भगवान की भक्ति करता है और उसको भक्ति में धीरे धीरे उसका प्रवेश होने लगता है, भक्ति में मन लगने लगता है, तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है, भले ही समाज उसको चाहे जितना या जो कुछ भी कहता रहे। तो मीरा कह रहे हैं कि जो आंसुओं से सींच सींच कर मैंने कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति को मैंने अपने हृदय में लगाया है, सींचा है, अब वह पल्लवित हो रही है, अब उसमें पत्ते आ गए हैं, वह बेल या लता फैल गई है, अब इससे मुझे कृष्ण की भक्ति रूपी आनंद की प्राप्ति हो रही है। मीरा भक्त हैं, भक्ति का मार्ग उनके लिए कठिन नहीं है। उस पे भी जब वो घोषणा करती हैं कि कृष्ण उनके पति हैं, तो यह रास्ता और भी कठिन नहीं हो जाता है, कठिन नहीं रह जाता है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोए। अब मीरा सिर्फ भक्ति ही नहीं करती हैं, वो समाज के बारे में भी सोचती हैं, क्योंकि भक्त के जीवन का उद्देश्य अपने ईश्वर की भक्ति करना है, किंतु वह साथ ही साथ वह समाज के विषय में भी चिंतित रहता है। तो वो समाज से प्रेरणा लेता है, साथ ही समाज को कुछ देने की भी कोशिश करता है। या करें कि दूध की मथनियाँ, करें कि मैंने मथनियाँ, मथना, मंथन करना, विचार करना, मैंने बड़ा गंभीर विचार किया है कृष्ण इस संसार के बारे में, इस संसार के बारे में मैंने बड़ा मंथन किया है। यहाँ दूध प्रतीक है संसार का, दूध किसका प्रतीक है, संसार का, कि संसार के बारे में मैंने बड़ा सोचा है, विचारा है।
तो दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बोली, मैंने दूध को बड़े प्रेम से मैंने बिलोया है। अर्थात मीरा कह रही है कि इस सांसारिक जीवन के बारे में मैंने बड़ा गंभीर रूप से सोचा है, विचारा है, मंथन किया है। फिर क्या होता है जब हम किसी चीज को मथते हैं, तो क्या होता है, समुद्र मंथन हुआ था तो तमाम वहां से रत्न निकले थे। ऐसे ही जब आप कुछ मथते हैं, जब कोई कुछ कठिन काम करते हैं लेकिन मन लगा देते हैं, तो उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है, अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। और पढ़ाई भी एक प्रकार से भक्ति ही है। करें कि मीरा जब संसार के बारे में मथती हैं, मंथन करती हैं, विचार करती हैं, तो उनको क्या होता है, क्या प्राप्त होता है उनको, कि दधि मथ, दधि मतलब दही, इस संसार रूपी दही को जब वो मथती हैं तो घृत काढ़ लियो, जब दही को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है, उसी मक्खन से घी बनता है। तो करें कि मैंने संसार रूपी दही को मथा है, मथ करके जो घी है उसको मैंने काढ़ लिया है, निकाल लिया। यहाँ घी किसका प्रतीक है, भगवान कृष्ण की भक्ति का है। जो वो संसार का मंथन करती हैं तो यह पाती हैं कि संसार में यदि कुछ सत्य है, कुछ अच्छा है, तो वह है भगवान कृष्ण की भक्ति। तो उस भगवान कृष्ण की भक्ति को वो अपना लेती हैं। डारी दही छोई, और दही मथते हैं तो मक्खन निकलता है, बाकी क्या निकलता है, छाछ। छाछ यहाँ प्रतीक है सारहीन, अर्थहीन, यानी व्यर्थ की बातों का, व्यर्थ की चीजों का। बाकी मीरा को भगवान कृष्ण की भक्ति के बाद इस संसार में जो कुछ भी बच जाता है वह मीरा को छाछ के समान बेमतलब का नजर आता है। तो मीरा बाकी सारी चीजों को छाछ मान करके उसको अपने जीवन से निकाल देती है। तो कृष्ण की भक्ति उनको मक्खन जैसी, घी जैसी मूल्यवान लगती है, इसको उन्होंने निकाल लिया। बाकी सांसारिक मोह माया, रिश्ते नाते, सांसारिक बंधन, सारा उन्हें छाछ की तरह व्यर्थ की चीजें प्रतीत होती हैं, उसको अपने जीवन से उठा के फेंक देती हैं। उस छाछ का उपयोग जिसको करना हो करता रहे, मीरा का उस छाछ से कोई मतलब नहीं। आगे मीरा बाई लिखती हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति तो अपने लिए करता है, लेकिन वह दूसरे के लिए भी चिंतित रहता है। कह रही हैं कि मैं जब भगवान के भक्तों को देखती हूँ कि लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। किंतु जगत देख रोए, लेकिन जब मैं बाकी संसार को देखती हूँ जो भगवान की भक्ति को छोड़कर व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के धन दौलत इकट्ठा करने में, मोह माया और तमाम ऐसे बंधनों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जिससे वो भगवान की भक्ति से दूर जाता, ऐसे लोगों को देखकर मीरा रोती हैं, दुखी होती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो अपने लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, इनके जीवन का उद्देश्य तो भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें। नहीं, आज 500 साल पहले हम आगे आ चुके हैं, तो आज हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य है अपनी किताबों को, पुस्तकों को, अपनी कक्षा की पुस्तकों को और बाकी जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें उनको खूब पढ़ लिख कर हम जो बनना चाहते हैं उसको बने। लेकिन इस पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको आकर्षित करेंगी और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएंगी, ऐसी चीजों को हमें छोड़ देना है। तो मीरा भी जो है ऐसी चीजों को छोड़ देने की बात करती हैं। तो कह रही हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीरा संसार के लोगों को देख के रोती हैं, लेकिन भक्तों को जब देखती हैं तो उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। और पद के अंतिम पंक्ति में मीरा कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर। मीरा अपने आप को दासी कहती हैं, सेविका कहती हैं। किसकी सेविका है? लाल गिरधर, लाल भी कृष्ण के लिए आया और गिरधर भी कृष्ण के लिए। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी आराधक हूँ, मैं आपकी आराधना करती हूँ, आपका से आपके प्रति मेरा सेवा भाव है। तारो अब मोही, अब आप ही मेरा उद्धार करिए और यह उद्धार अति शीघ्र करिए। कहने का आशय यह है कि मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए इस संसार को नश्वर मानती हैं और कहती हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान कृष्ण की भक्ति ही है। मैंने
मक्खन की तरह भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया है और बाकी चीजों को छाछ की तरह मैंने छोड़ दिया। किंतु मीरा को मुझे यह कृष्ण की भक्ति यूं ही नहीं मिल गई, मुझे इसके लिए बहुत रोना पड़ा है, बहुत दुख सहना पड़ा है, बहुत फप्तियां सुनने को मिली हैं, बहुत पीड़ा सहना पड़ा है, लेकिन मैं अपने उद्देश्य से कभी विचलित नहीं हुई। पद समाप्त हो जाता है। अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य के बारे में थोड़ा बात करेंगे। काव्य सौंदर्य के बारे में बात हम पिछले पाठों में कबीर के बारे में बात किए थे कि काव्य सौंदर्य के दो भाग होते हैं। पहला भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में हम कविता की मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, उनकी भक्ति में अनन्यता है, वे सांसारिक मोह माया के बंधनों से परे रह के भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहती हैं। ये हो गया भाव सौंदर्य। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है? शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य के बारे में मैंने बताया था कि वे तत्व जो कविता रचते समय काव्य शास्त्र की दृष्टि से उसमें ढूंढे जाते हैं, उसको बोलते हैं शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य की जब बात करेंगे तो सर्वप्रथम बात भाषा की करेंगे। तो मीरा की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी रचना ब्रज भाषा में है, लेकिन इनकी रचनाओं में राजस्थानी के शब्द खूब पाए जाते हैं। इनकी रचनाओं में तत्सम शब्दावली भी पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था पढ़ाते वक्त दधि और घृत, ये तत्सम शब्द हैं। अब बात हम करेंगे अलंकारों की। तो मीरा भी काव्य शास्त्र की दृष्टि से चाहे जितना ही उनका काव्य उन्नत रहा हो, लेकिन वे एक भक्त हैं और यह दिखलाने के लिए वो कविता नहीं रचती कि अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया जाए, ऐसा करना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। फिर भी उनकी रचना में हम देखेंगे तो हमको अलंकार मिलेंगे। अनुप्रास अलंकार देखेंगे तो पहली पंक्ति में देखिए गिरधर गोपाल, मोर मुकुट कुल की कानी, कहा करी है कोई लोकलाज, और प्रेम बेली शब्द में आपको अनुप्रास अलंकार की झलक मिलेगी। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आप देख सकते हैं। बैठ ही बैठ और सींच सींच में आपको पुनरुक्त प्रकाश अलंकार मिलेगा। प्रेम बेली आनंद फल और अश्वन जल में आपको रूपक अलंकार मिलेगा। रस की दृष्टि से देखें तो आपने 10th में रस पढ़ा होगा, यदि आपका सिलेबस जो है पाठ्यक्रम ये रहा होगा तो आपने रस पढ़ा होगा। तो रस की दृष्टि से यह भक्ति रस या शांत रस की कविता है या पद है, और इसको भली बात इस पद में संगीयता का गुण है, गेयता का गुण है, इसको गाया जा सकता है। घी कुछ प्रतीक शब्द भी इस पद में आए हैं। इसमें घी प्रतीक है भक्ति का, कृष्ण की भक्ति का। कहते हैं कि घृत काढ़ लियो, घी मैंने काढ़ लिया, निकाल लिया। घी प्रतीक है कृष्ण की भक्ति का, और छाछ जो है छोई प्रतीक है सांसारिकता का। और अनुयुक्त अलंकार भी यहाँ मिलेगा, दूध की मथनियाँ, किसी और बात के माध्यम से कुछ और कहना वहाँ अनुयुक्त अलंकार होता है। तो दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो, डारे दही छोई, यहाँ अनुयुक्ति अलंकार है। इस प्रकार हमने मीराबाई का एक पद आज पढ़ लिया। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, जो नहीं समझ में आता है तो आप उसमें कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे सकूं। आगे कल जो है हम इस मीराबाई का दूसरा पद भी पढ़ेंगे। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपने मेरी बात में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे और इस पे आप अभ्यास करेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। धन्यवाद।